2023 के लिए जाने वाले आजमीन हज के प्रशिक्षण के बाद अब मंगलवार 7 जून से नागपुर शहर से हज के लिए आजमीन हज रवाना हो गए, जिसके तहत आज सेंट्रल तंजीम कमेटी की ओर से आजमीन हज के लिए इस्तकबाल कार्यक्रम का आयोजन हज हाउस नागपुर में किया गया। जिस घड़ी का इंतजार काफी समय से आजमीन हज द्वारा किया जा रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। कल यानी 7 जून से नागपुर शहर से हज का पहला जत्था रवाना होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशिक्षण के बाद अब सेंट्रल तंजीम कमेटी द्वारा हज हाउस नागपुर में विदर्भ से हज के लिए जाने वाले तमाम आजमीन हज के लिए इस्तकबाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी, हम हज तो नहीं के लिए तो नहीं जा रहे हैं, मगर हमारे मुमानी जान, उनके लड़के, हमारे दोस्त, उनके वालिदा, ये 4 लोग जाने वाले हैं। हम मुकाम पोस्ट बालापुर ज़िला अकोला से आए हैं। आज रिपोर्टिंग है, इंशाल्लाह आज उनकी रिपोर्टिंग होंगी और कल इंशाल्लाह उनको 4-5 बजे सामान जो उनका मिलना है हज के लिए, पासपोर्ट वगैरह, जो पासपोर्ट मिलता है, आईडी कार्ड मिलता है, बैच बिल वगैरह मिलते हैं, तो वो सब सामान कल मिलेगा इंशाल्लाह। कल सामान लेंगे और वो लोग इंशाल्लाह परसों के दिन रवाना होंगे हज के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल गुलाम बासित, मैं बालापुर से आया हूँ साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है हज कमेटी का। पानी की सुविधा है, लाइन लगाने के लिए भी कुर्सियाँ दी है उन्होंने, नशिस्त का इंतज़ाम है, पंखों का अच्छा इंतज़ाम है, ठंडा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का इंतज़ाम है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह बहुत पॉश है। हम लोग सफ़र करके ट्रेन से आए हैं, सुबह निकले थे हम घर से 6 बजे, तकरीबन यहाँ 12 बजे पहुँचे और इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पर है, इंशाल्लाह आधे घंटे में सामान हम। हज 2023 पर जाने वाले को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह हम लोग भी हज पर जा रहे हैं, हमारी 8 तारीख की फ़्लाइट है और हमें रिपोर्टिंग के लिए 2 दिन पहले यानी कि आज 6 तारीख को बुलाया गया है, और यहाँ सुबह 10 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। लोगों को खड़े खड़े तकलीफ़ ना हो इसलिए यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, तो कुर्सियों पर बैठे बैठे ही हम लोग लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर, यहाँ के तंजीम वालों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हाजी लोग जा रहे हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। जहां सेंट्रल तंजीम कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कादिर ने सभी आजमीन हज को मुबारकबाद देते हुए उनका इस्तकबाल किया। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट के इंचार्ज सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय के अध्यक्ष के नाते मैं जाने वाले सभी नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट के हुज्जाज इकराम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और सेंट्रल तंजीम कमेटी को महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने जो हमको काम दिया और यहाँ पर आए हुए सभी, तो पहले हाजियों के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे हमने जो हज हाउस के अंदर में पूरे हाजी जो जाने वाले हैं 3447 हाजी नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हैं, और उनका काफ़िला जो है 7 तारीख से 14 तारीख तक रहेगा। हुज्जाज इकराम का यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है उसके बारे में हाजी मोहम्मद कलाम साहब सेक्रेटरी जो है हमारे, वो बताएंगे आपको। उसके मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने हज हाउस के अंदर में जो पूरी तैयारी है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। कल हाजियों का काफिला है, पहला प्लेन 9:30 बजे 700 अपना 430 हाजियों का, और दूसरा प्लेन जो 11 बजे जाने वाला है वो 430 का। ऐसे हाजी यहाँ से जद्दा के लिए उड़ान भरेंगे। मैं सभी हाजियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय पिछले 22 सालों से हुज्जाज इकराम का खिदमत हाजी अब्दुल कदीर साहब की सदारत में करते आ रही है। इसके अंदर में हमें पूरा अनुभव है कि हुज्जाज इकराम जब आते हैं तो उनके ठहरने की, रहने की व्यवस्था, और उनको यहाँ पर तरबियत भी दी जाती है, साथ में 2 दिन पहले यहाँ बुलाया जाता है, वो पहले रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग के बाद दूसरे दिन पासपोर्ट उनको मिलता है, और तीसरे दिन जब जाने का समय होता है उससे 8-10 घंटा पहले उनका सामान यहाँ पर एयर इंडिया द्वारा, एयर लाइन्स द्वारा
उसकी लोडिंग किया जाता है और उसे लेकर एयरपोर्ट भेजा जाता है, और जो हाजी यहाँ रुकते हैं उनको बस की व्यवस्था पूरी कमेटी की तरफ से रहती है। और यहाँ पर हजाज इकराम को तकरीबन पर डे 2000 हाजियों की रहने की और उनके रिश्तेदारों को ठहरने की पूरी व्यवस्था है, और पीने की व्यवस्था है, अच्छे स्वच्छ पानी और बाकी जो भी व्यवस्था है, जो उनको गाइडलाइन करना है, तरबियत करना है, उसके भी हमने अलग अलग काउंटर खोले हैं, जिसमें हमारे को पूरे विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सारे खिदमतगार लोग मदद करते हैं और अपने अपने क्षेत्र के हुजाज इकराम को तरबियत देने का काम करते हैं, यहाँ एहराम बांधने का काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ से हुजाज इकराम को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। करेंसी चेंज करने का भी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसको ऑथराइज की है, वो बैंकों में करेंसी चेंज कर रही है, यहाँ सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ उसके। एनबीसी न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।